नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल स्पिरिचुअल ट्री में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे मनोकामना पूर्ति के लिए एक ऐसे खास दुर्लभ प्रयोग के बारे में जो महाकाली से जुड़ा हुआ है, और जो कोई भी व्यक्ति इस प्रयोग को करता है उसकी सभी प्रकार की मनोकामनाएं तुरंत ही और शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें करते रहते हैं, लेकिन यह बड़ा ही ज्यादा खास और तीव्र प्रयोग है जो आज तक बिल्कुल भी खाली नहीं गया है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है, बल्कि जिसने भी इस प्रयोग को आज तक करा है उसके जीवन में अद्भुत चमत्कार उसे खुद ही देखने को मिला है। तो ध्यान से इस प्रयोग की विधि को समझें और अंत तक इस वीडियो को देखें कि किस प्रकार आपको यह प्रयोग करना है, क्योंकि यह प्रयोग महाकाली का प्रयोग है और महाकाली देवी बड़ी ही ज्यादा तीव्र मानी जाती हैं। बल्कि जो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में महाकाली की साधना करता है वह स्वयं साधना के दौरान महाकाली शक्ति को खुद ही महसूस करता है, अपने आसपास देखता है और उसे भी पता चल जाता है इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर महाकाली का साथ हो तो फिर तो कुछ भी असंभव है ही नहीं। महाकाली का जो साधक होता है वह अपनी सभी इच्छाएं तो पूरी करता ही है, बल्कि और लोगों की भी मदद करता है। दूसरे लोगों के भी मात्र आशीर्वाद देने से ही उनके काम भी होने लगते हैं। इसलिए सभी विद्याओं में, सभी शक्तियों में, हर चीज में केवल महाकाली को ही सर्वश्रेष्ठ सभी ने बताया है। बल्कि जिनके सामने खुद महादेव ही लेट गए हैं, नमस्कार करके बैठ गए हैं और महाकाली पर ही सब कुछ छोड़ दिया है, तो दोस्तों इसकी कोई ना कोई खास वजह जरूर है। तो आपको बता दें कि हर साधना के लिए, हर शक्ति के लिए, हर सिद्धि के लिए केवल महाकाली ही सर्वश्रेष्ठ, महत्वपूर्ण और जरूरी मानी जाती हैं। महाकाली के और भी ज्यादा सुंदर और दुर्लभ प्रयोग हम आपके लिए जरूर लेकर आएंगे और आपको जरूर ही बताएंगे, जो आने वाले वीडियोस में आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब भी आप अपनी मनोकामना को पूरी करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि मनोकामना पूर्ति के लिए आपको आंकड़े के पौधे का इस्तेमाल करना। हर पौधे की अपनी एक खास विशेषताएं होती हैं, जो हमने पिछले वीडियोस में भी आपको काफी बार बताया है। और आग का पौधा महाकाली को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। आग के पौधे के पास जरूर ही कोई ना कोई अदृश्य शक्तियाँ मिलती ही हैं, तो उसी पौधे की सहायता से महाकाली के इस प्रयोग में मनोकामना पूर्ति करवाई जाती है। जब भी आप कोई मनोकामना पूर्ति करवाना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि यह प्रयोग सिर्फ आपको कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन ही करना होता है। कृष्ण पक्ष के ही सोमवार पर भी इस प्रयोग को किया जा सकता है। और इस बात का ध्यान रखें कि सिर्फ सुबह के समय ही आपको आग के पौधे के पत्ते को तोड़ना है। दिन में या सूरज ढलने के बाद बिल्कुल भी आग के पौधे को ना छुएं और ना ही पत्ते तोड़ें। आग का पौधा, आंकड़े का पौधा एक ही होता है, तो इसलिए बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। किसी पौधे में सफेद फूल होते हैं तो किसी में थोड़े से बैंगनी कलर के फूल होते हैं, लेकिन पौधा एक ही होता है, बस उनकी नस्ल थोड़ी अलग सी होती है। अगर आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई है तब ऐसे में आपको बैंगनी कलर के जो फूल होते हैं जिस पौधे पर, उस पौधे के पत्ते का इस्तेमाल करना है। और अगर आपकी इच्छा किसी साधना के लिए, महाकाली की कृपा प्राप्ति के लिए, दुश्मन से छुटकारे के लिए या तंत्र बाधा से मुक्ति के लिए आपकी मनोकामना है, तब आपको ऐसे पौधे को चुनना है जिसमें सफेद रंग के फूल होते हैं। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। और किसी भी कृष्ण पक्ष के सोमवार या फिर शनिवार के दिन आपको 4 पत्ते आग के पौधे के तोड़ लेने हैं और इन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से साफ कर लेना है और लाल चंदन से अपनी मनोकामना को इन पत्तों के ऊपर लिख देना है। ध्यान रखें कि सिर्फ और सिर्फ लाल चंदन का ही इस्तेमाल आपको करना है। और इस बात का ध्यान रखें कि पत्तों पर इस प्रकार से लिखना है कि उस साइड लिखना है जहां पर हरा पत्ता ज्यादा होता है। बस इस प्रकार से लिखने के बाद आपको उन पत्ते पर गुड़ से पेस्ट कर देना है, यानी के थोड़ा सा गुड़ लाकर आपको उसे गर्म कर लेना है और उसी पेस्ट से इन पत्तों पर लेप को लगा लेना है। इस बात का ध्यान रखें कि सभी पत्ते बिल्कुल गुड़ के लेप में हो जाएं। जो आपने मनोकामना लिखी है यह आपको नहीं मिटानी है, बस उसके ऊपर ही आपको गुड़ से लेप कर देना है। और ऐसा करने के बाद आपको इन सभी पत्तों को एक के ऊपर एक रखते हुए लाल धागे से इन पत्तों को बांध देना है और यह आपको फिर महाकाली के सामने समर्पित कर देना है। इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रयोग को करने के लिए महाकाली की कोई भी फोटो, तस्वीर, मूर्ति आपके घर में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे कि घर के मंदिर में आप
महाकाली की कोई भी फोटो, मूर्ति, तस्वीर लगा सकते हैं और बस वहीं पर आप इन पत्तों को रख दें। यही प्रयोग आप घर के बाहर किसी भी महाकाली मंदिर में भी कर सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि अगले दिन आपको यह सामान अपना उठाना है और उसी पौधे के पास थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसमें ये सामान को दबा देना है। ध्यान रखें कि मिट्टी से आपको दबा देना है, जहां से आप ये पत्ते तोड़ कर लाए थे बिल्कुल उसी पौधे के पास दक्षिण दिशा में आपको अपना यह जो सामान आपने तैयार किया है इसे दबा देना है। अगले दिन ही यह करना है, तो इसलिए बाहर मंदिर में करेंगे तो कोई भी आपके सामान को छू सकता है, तो यह आप अपने घर में ही कर लें तो ज्यादा बढ़िया रहता है, क्योंकि इसमें ये चीज बहुत ही ज्यादा खास और ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी आपके इस सामान को छुए नहीं तो यह प्रयोग खंडित हो जाता है। कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको टोके नहीं, जब आप यह प्रयोग को करेंगे तो किसी से भी ना बताएं, क्योंकि जब आप बता देंगे तो लोग आपको टोकना शुरू कर देंगे, आपसे पूछना शुरू कर देंगे कि क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, तो इसलिए बिल्कुल भी कोई आपको टोके नहीं, तो आपको बिल्कुल भी किसी को नहीं बताना है, बिल्कुल चुपचाप इस प्रयोग को कर लेना है और अगले दिन जाकर उस पौधे के पास इन पत्तों को दबा देना है और उसके बाद चुपचाप बस अपने घर आ जाना है। बीच रास्ते में कोई भी आपको मिलता है तो बिल्कुल भी बात नहीं करनी है, क्योंकि ऐसे योग बनेंगे कि कोई ना कोई आपको जरूर रोकेगा, आपका मित्र कोई आपको मिल जाएगा, लेकिन बिल्कुल सुबह सुबह ही आप इस प्रयोग को कर लें जिससे कम लोग मिलें और ऐसे रास्ते को चुनें जो बिल्कुल अकेला सा रास्ता हो, जहां कोई भी आपको ना मिले और आप आसानी से चुपचाप बिल्कुल अपने घर आ जाएं, कोई बुलाए नहीं, कोई बात नहीं करें, क्योंकि बहुत सारे लोग इस गलती को कर देते हैं और अपने सभी प्रयोग को खराब कर लेते हैं कि बीच में बातें करने लग जाते हैं, अपने प्रयोग को डिस्कस करने लग जाते हैं, ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि अब तो हम महाकाली की पूजा करते हैं, अब तो हम ये कर देंगे, अब तो हम वो कर देंगे, अब तो हम अपने दुश्मन को भी देख लेंगे, अब तो हम तुम्हारे दुश्मन को भी देख लेंगे, तो ऐसे ढिंडोरा बिल्कुल भी ना पीटें। महाकाली का जो भक्त होता है, महाकाली के जो जुड़े हुए प्रयोग करता है, वह बड़ा ही ज्यादा शांत और अहंकार से मुक्त व्यक्ति होता है, तो बिल्कुल भी अपने मन में अहंकार को ना आने दें, क्योंकि अहंकार ही फिर किसी भी व्यक्ति को भटका देता है। तो बस जितने भी यह प्रयोग आपको बताए जाते हैं, आप इनको करते रहें और इनका पुण्य कमाते रहें, अपनी शक्तियों को बढ़ाते रहें और धीरे धीरे आपकी शक्तियां इतनी बढ़ जाएंगी कि कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा, क्योंकि महाकाली का जो साधक होता है वो सिर्फ और सिर्फ आगे की ओर बढ़ता है, आगे की जो दिशा होती है वो सिर्फ महाकाली के साधक की होती है और जो पीछे की दिशा होती है वो उसके दुश्मनों की हो जाती है। तो जरूर इन सभी प्रयोग का लाभ उठाएं, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें, क्योंकि जब आप शेयर करेंगे तो इससे आपके अच्छे पुण्य बढ़ जाएंगे, क्योंकि आप महाकाली की वीडियो को शेयर कर रहे हैं और महाकाली इससे प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करेंगी। अगर आप चाहते हैं महाकाली की कृपा आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे, तो कमेंट बॉक्स में लिख के हे महाकाली, हे सर्वशक्ति स्वरूपा, हमारा कल्याण करो और हमें हर दुख से मुक्त करो। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल बटन भी जरूर दबा दें, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर और सबसे पहले मिलते रहें और कोई भी वीडियो बिल्कुल भी मिस ना हो। धन्यवाद।